ग्राम पाडले गौली से श्री सियाराम बाबा भक्त मंडल के तत्वावधान में नागलवाड़ी शिखर धाम तक करीब 150 किलोमीटर की यात्रा पिछले 3 वर्षों से निकाली जा रही है। यात्रा 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 6 जनवरी को नांगलवाड़ी पहुंचेगी। पैदल यात्रा का सेगांव आगमन पर गौली समाज संगठन के तत्वावधान में स्वागत किया गया। यात्रा प्रमुख रामकरण यादव ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश एवं गांव की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए निकाली जा रही है। यात्रा में छोटे छोटे बच्चे हाथों में ध्वज लेकर चल रहे थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये यात्रा कितने दिनों से चल रही है और क्या इसका उद्देश्य है? यह यात्रा 1 तारीख से प्रारंभ हुई और 5 तारीख को इसका समापन है और 5 दिवसीय है और इसका उद्देश्य है कि गांव की, क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की उन्नति, प्रगति और सुख शांति और समृद्धि के लिए यात्रा निकाली जाती है और बाबा की शक्ति और उनकी भक्ति का ये कारवा है, श्रद्धा और पूर्ण यह धार्मिक यात्रा है और पूर्ण आस्था, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई आस्था है तो रास्ता है। 2021 में हम 2 लोगों ने यात्रा निकाली थी बाबा की कृपा से। 2022 में हमारे साथ 24 लोग जुड़े इस यात्रा में स्वैच्छिक और बाबा में पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ, और इस बार हमारे साथ बिना किसी को कहे गाँव से निकले हैं करीबन 65 लोग, जिसमें 27 महिलाएँ हैं, पुरुष हैं और 12 बच्चे हैं, लड़कियां हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रामकरण यादव, शिक्षक हूं, प्राथमिक शिक्षक हूं, और यह यात्रा प्रतिवर्ष बाबा की कृपा और आशीर्वाद से निकलती रहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है और बाबा पे पूर्ण आस्था है और मेरी श्रद्धा है कि यह कारवां सालों साल बढ़ता जाएगा। और एक चमत्कार ये भी हुआ कि एक कुत्ता भैरवान बाबा के रूप में पावागढ़ से अखंड ज्योत के साथ आया था, वो खरगोन सनावद रोड पे अंदर के ग्राम में रुका हुआ था और वो नवरात्रि से उसी ग्राम में रह रहा था और हमारी यात्रा ध्वज के साथ चल रहा है, जिसमें वो पूरा ध्वज के साथ और नर्मदा जी का जो जल लेके झारी और ध्वज लेके चल रहे हैं उनके साथ में चल रहा है और हमारे साथ रुकता है, हमारे साथ ही कहीं नहीं जा रहा है और वो भी पैदल यात्रा में सम्मिलित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।